आखिर वो कौन थी अप्सरा जो भगवान श्री राम को दिया श्राप, जिसके कारण सहना पड़ा माँ सीता का वियोग। दोस्तों बड़ा ही रोचक कथा, आइए जान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हम सब ने पढ़ी है। आज हम आपको उनसे ही जुड़े एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। जब वे माँ सीता अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए आए थे, तब उसी समय माँ सीता को रावण ने हर कर ले गया था। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती हैं और भगवान श्री राम को माँ सीता का वियोग सहना पड़ता है। माँ सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माँ सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहना पड़ गया था। यह बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई थी। तब सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा भी था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव के संपत्ति पत्नी को हड़प कर राज से भगा दिया था। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपने व्यथा बताई, तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव भगवान श्री राम के आश्वासन पर पहली बार बाली से लड़ने पहुंचा। सुग्रीव के ललकार सुनकर बाली कहा रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाली को बाण से प्रहार किया, जिसे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली के पत्नी अप्सरा तारा को हुआ, तो वह युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चल गया कि श्री राम ने उसके पति को छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता के खोज निकालोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खोदोगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपने पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी मेरे पति के हाथों होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं, तो कुछ समय बाद माँ सीता वन चली जाती है। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वहीं पर लव और कुश को जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं, तब एक भील के बाण से उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मारने वाला शिकारी भील क्या बाली ही था? बाली दूसरे जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारा था। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।